कोई कुछ भी कहे ये बात पक्की होती है। कोई कुछ भी कहे ये बात पक्की होती है। अरे पिता की डांट में भी बच्चों की तरक्की होती है। मेरी दुनिया मेरा जहान हो, मेरे लिए आप ही सबसे महान हो। अगर मेरी माँ मेरी जमीन है तो पापा आप मेरा पूरा आसमान हो। दोस्तों ये लाइनें मैंने कहीं पढ़ी थी। तो मेरी इस वीडियो को हर एज ग्रुप के लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पिता का बिहेवियर, पिता का प्यार, पिता की डांट बच्चे की एज के हिसाब से बदलती है। और दोस्तों आपका भी पूरा फर्ज है कि आप अपने पिता को उतना ही सम्मान दें उनके बुढ़ापे में जितना वो आपको देते हैं आपके बचपन में। अरे यार सोचो, उन लोगों से पिता की अहमियत पूछो जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है। दिल रोता है सच में। मुझे रख दिया छाओं में खुद जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छाओं में खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। पापा आपके होने से मेरी तकलीफ कम हो जाती है। उलझा रहूं चाहे जितना भी, हर पल एक उम्मीद नजर आती है। चाहे रहे जो भी परेशानी, आपको चेहरे पर एक भी नजर ना आती है। चाहे रहे जेब बिल्कुल खाली, हमारी हर जरूरत पूरी हो जाती है। याद करके आपका हंसता चेहरा, हमें गम में भी खुशी मिल जाती है। सचमुच पापा आपके होने से आगे बढ़ने की उम्मीद मिल जाती है। दोस्तों विवेक गौरव संस्कृत जी की लाइनें हैं ये। मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भगवान का अगर दूसरा रूप है तो वो है माता और पिता। माता पिता के बिना एक बच्चे का जीवन अधूरा है। बच्चे के लिए माता पिता भगवान के समान हैं। कभी कभी तो पिता माता की भूमिका निभा जाते हैं और कभी कभी माता पिता की भूमिका निभा जाती हैं। दोनों ही सम्मान्य हैं, हमें दोनों का बराबर सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे पिता की, पिताश्री की, बाबा की, किसी भी नाम से आप उन्हें संबोधित कीजिए। अलग अलग जगह पिता को अलग अलग तरीके से संबोधित किया जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं अपने पिताजी को काका कह के सम्मानित किया करता हूं। इसका रीज़न है मेरे ताऊ के बच्चे मेरे पिताजी को काका बोला करते थे, तो जब मैं छोटा था तो मैं भी उन्हें काका बोलने लग गया। स्टिल मैं उन्हें काका ही बोलता हूँ। तो मैं बड़ा प्यार करता हूँ अपने पिताजी को। दोस्तों आज है फादर्स डे। पिता दिवस के इस उपलक्ष्य में कुछ बातें जो मेरे दिल के अंदर हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जानें। दोस्तों पिता की अहमियत आप उस बच्चे से पूछिए जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट में था और उसके पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पिता की अहमियत उस बच्चे से पूछिए जो छोटी उम्र में ही अपने पिताजी को खो देते हैं, जिनके पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। पिता एक दोस्त है, पिता एक मार्गदर्शक है, पिता एक अध्यापक है उसके बच्चे के लिए। पिता हमारा सब कुछ है। दोस्तों हमारे पिताजी कभी कभी हमारे ऊपर गुस्सा भी करते हैं, कुछ बातों के लिए रोकते हैं, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, उससे मत मिलो, उससे बात मत करो। दोस्तों पिता हमसे पहले इस दुनिया में आए हैं। पिता ने जीवन ज़्यादा देखा है, पिता ने सारे अच्छे बुरे लोग देखे हैं। पिता को मालूम है कि मेरे बच्चे के लिए ये लोग अच्छे हैं और ये लोग बुरे हैं। दोस्तों कभी कभी परिवार में माता पिता के बीच में मतभेद हो जाते हैं और बच्चों में पार्शियलिटी आ जाती है कि नहीं पापा अच्छे नहीं हैं या मम्मी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों आपके लिए सम्मान्य हैं। दोनों का इज्जत करना, दोनों का रिस्पेक्ट करना आपका धर्म है। मतभेद माता पिता के बीच में है, एक समय आके वो सही हो जाएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन आप दोनों का बराबर सम्मान करें। जिस तरह से माता भूखी रहकर अपना खाना भी अपने बच्चे को दे देती है, उसी तरह से पिता बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, किसी भी मौसम में बाहर जाता है और आपके लिए पैसों का इंतजाम करता है, पैसों का अरेंजमेंट करता है। कैसे कैसे वो पैसे कमा के लाता है सोचो। आपकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों पिता फटे हुई चप्पलों में, फटे हुए कपड़ों में अपना जीवन गुजार देते हैं।
वो ये नहीं सोचते कि मेरे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए मैं नए कपड़े लेके आऊँ, मेरे बच्चे के लिए मैं नए जूते लेके आऊँ, मेरे बच्चे के लिए ये सुविधाएं हों। जो पिता ने नहीं किया वो अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। ध्यान रखने वाली बात है, अपनी हैसियत के हिसाब से जितना पिता कमाते हैं वो अपने बच्चे को उतने में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पिता का सम्मान दिल से करो, हमेशा करो। नो मैटर कि आपके पिता आपको डांटते हैं, नो मैटर आपके पिता आपको हमेशा बोलते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पिता का रोल हमेशा अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होता है। जब आप छोटे 5 साल के होते हैं तो पिता आपको बहुत लाड़ प्यार करते हैं, मेरा बच्चा मेरा बाबू। जब आप 5 से 15 साल के होते हैं तो पिता का रोल थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा वो आपको डांटते हैं कि बेटा पढ़ ले, यहाँ मत जा, इससे मत मिल, घर पर लेट मत आया करो, स्कूटी मत तेज चलाया करो। एक्चुअली वो उनकी चिंता होती है। भाई आप ही तो पिता की पूंजी हो, आप ही तो पिता की इन्वेस्टमेंट। जब आप 15 से 20 साल के होते हैं तो पिता आपके लिए मोटिवेटर बन जाते हैं, वो आपके पास बैठते हैं और आपसे बात करते हैं कि बेटा आप 11th में हो, 12th में हो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि आपको अच्छे कोर्स में एडमिशन मिले, एक बार अच्छे कोर्स में एडमिशन मिले तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। जब आप 20 से 25 साल की एज में होते हैं तो पिता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल कोचिंग, अपनी FD तक तुड़वा देते हैं, जो अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने पूंजी इकट्ठी की होती है उसको आपके ऊपर लगा देते हैं कि ले बेटा तू BTech कर, तू BCA कर, तू BBA कर। तो दोस्तों, हर पिता अपने हैसियत के हिसाब से अपने बच्चे को एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता है। तो पिता आपके लिए एक छाया है, पिता आपके लिए एक साया है, पिता का सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप 25 से 30 साल के होते हैं तो पिता का सपना होता है मेरे बच्चे की अच्छी जॉब लगे, मेरा बच्चा सेटल हो जाए, या तो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, या अपना कोई बिजनेस अच्छे से वो करने लग जाए। तो दोस्तों, पिता का वही सपना आपको पूरा करना है, उनके सपने पर आपको खरा उतरना है, उनको बिल्कुल भी नीचा फील नहीं करवाना है। पिता आपके दोस्त हैं। और जब आप 30 से 35 साल के होते हैं तो पिता का सपना होता है मेरे बच्चे की शादी हो जाए, आपका ब्याह होता है, आपके बच्चे होते हैं, और पिता अपने पोते और पोतियों को देख के इतना खुश होते हैं, समझ लो उन्हें अपनी पूंजी मिल गई। जब आप 35 से 45 साल के होते हैं तो पिता पूरी तरह से आपके बच्चों के साथ खेलते हैं, खुश होते हैं, बहुत अच्छा उन्हें महसूस होता है, और आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। जैसे ही आप 45 से 50 साल के होते हैं तो पिता का जीवन बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है। अब यहाँ आपका रोल उल्टा हो जाता है, अब आपको अपने पिता को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। बच्चे का मन और बुढ़ापे का मन एक समान होता है। आप अपने पिता को प्यार से ट्रीट करो, उनके पास बैठो, उनकी बातें सुनो, ठीक है, जब भी ऑफिस से आओ 10 मिनट का 5 मिनट का टाइम निकालो। अरे मतभेद तो होते रहेंगे यार, जिंदगी मतभेद है, एक वक्त आएगा जब पिता हमें छोड़कर चले जाएंगे, सबको जाना है, तो आप उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, हंसो। लेकिन दोस्तों, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि एक नौजवान अपने बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम ओल्ड एज होम छोड़कर आ जाते हैं। अरे यार, आज हमारे बूढ़े माँ बाप को आप वृद्ध आश्रम छोड़ कर आ रहे हो, सोचो आप भी तो कभी बूढ़े होंगे। जो आज आप अपने माता पिता के साथ करोगे वही देखकर आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो दोस्तों, अपने पिता का सम्मान करो, अपनी माता का सम्मान करो, बुजुर्ग हैं, हमें दो बात डांट भी देंगे तो हमें शांत रहना है, इनकी बातों को सुनना है। जिस तरह आप छोटे बच्चे थे और आप अपने पिता से बोलते थे कि पिता आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, आज मुझे मोमोज खाने का मन है, आज मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन है, उसी तरह जब हमारे पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका मन भी बच्चा बन जाता है, उनका भी मन बच्चे की तरह हो जाता है। आपके पिता भी बच्चे हो गए हैं, उनका मन भी बच्चे की तरह है, वो आपको नहीं बोलेंगे लेकिन आप तो उनसे पूछ सकते हैं कि पिताजी बताइए आज आपका क्या खाने का मन है, कभी उनसे भी पूछो। तो दोस्तों, पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, भगवान से बड़ा आशीर्वाद होता है माता पिता का, तो आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे। मेरा ये छोटा सा प्रयास था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
थैंक यू सो मच। फादर्स डे की सबको शुभकामनाएं।